मैं सब तरिया लाचारी हुई हो मेरा जी रोवे जने क्या कह दे मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे मैं सब तरिया लाचार हुई हो सब तरिया लाचार हुई मेरा जीरो बेचने क्या कह दे मन भर जागा मान करण मुझे अरे मैं पापण भर पाई जग में इस जीने के खाने ते करण बलि तेरे दोष लग्या है मेरे कर्म के मारे ते मैं माता तू बेटा मेरा के फायदा बा तू खाने ते धुन गाही लिखड़ा करते हृदय गुल्लर के भारे ते लाख छुपाओ ना छुपती रे लाख छुपाओ ना छुपती रे दिल की बात न कहते मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे माँ बनी तो जरा गौर से सुन ले करण बता दे सारी बात तुझे बताती हूँ अरे एक रोज का जिक्र महल में एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया उस मंत्र पे विश्वास करया न वो सूरज पे अजमाया था मिटे ऋषि के वचन करण मने न्यू क्वारी ने जाया था ऐसे कर्म करण वाली को ऐसे कर्म करने वाली को इस जग में कौन भला कहते मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे अब तो तू जान गया होगा अगर यही सच्चाई है यही सच्चाई है कि मैं तेरा बेटा हूँ हाँ। मैं सूत पुत्र नहीं हूँ मैं राधे पुत्र नहीं हूँ नहीं है तो राजमाता कुंती अगर तुझे माँ बनना था उस दिन बनती मेरी माँ जब मैं मीन बींधने के लिए द्रौपदी के स्वयंवर में धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा रहा था तू वहां बैठी हुई थी तेरे सामने उस द्रौपदी ने यह कहा था कि तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी तेरे साथ मैं शादी
और फेर बींद ये मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। उस दिन क्या हो गया था करण? मैं मजबूर थी, मेरी मजबूरी थी ये राज छुपाना, और मैंने क्यों छुपाया वो भी बता रही हूँ, सुन ले मेरी बात। बताइए। श्री नारायण हलवाई सिहाली खुर्द 100 रुपये मंदिर में 100 रुपये पार्टी के लिए, और भाई मनोजी सिहाली कला उनकी तरफ से भी 100 रुपये बार बार। अरे भक्ति भाव भजन सेवा कर सब दुनिया तक होती क्यों फड़का अख्तियार नहीं जब बेल हाथ से बोधी लोक लाज और भय के कारण सात रहा न स्वाधी करण सौंप के आई तुझे उस गंगा जी की गोदी में आगे अपने जीवन का भर जागमान करण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे मन भर जागमान करण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे। कहा करते हैं ना अक सुन के भारी चोट लगी मेरे जीते जी पे क्या बन गई। क्या सुन के भारी चोट लगी आज राज खोल रही है जब कुछ भी मेरे हाथ में नहीं रहा शर्मानी चाहिए थी। अरे सुन के भारी चोट लगी मेरे जीते जी पे क्या बनगी और मतलब कारण बेटे खानी आज करण की माँ नहीं करण मेरा मतलब कोई भी नहीं है मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तू दुर्योधन का साथ छोड़ दे वो अधर्म के रास्ते पे चल रहा है बेटा। अगर तुझे युद्ध ही करना है तो पांचों भाइयों की तरफ से हरगिज नहीं। क्यों दुनिया में ये जो सूर्य है ये अपना प्रकाश तो छोड़ सकता है और देखिए इस शरीर की जो छाया होती है वो हमेशा साथ रहती है वो भी साथ छोड़ सकती है लेकिन मैं कभी दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। मैं तेरी माँ हूं मेरी बात मान ले। अरे उस दिन क्यों ना बनी माँ उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे और सूत पुत्र कह के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे। अरे फिर आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे और सूत्र नहीं अंग राजा देश का बनाया मुझे। मैं उस दुर्योधन के साथ लड़ूंगा जिसने मेरी हेल्प की मेरी मदद की तेरे साथ नहीं चलूंगा। करण मेरी बात मान जा। राजमाता कुंती मैं आपकी एक बात नहीं सुनना चाहता। तो एक बात और मैं तुझे कहना चाहती हूँ सुन मेरी बात। अरे माली बन के सींचाना पर माली बन के सींचाना पर मेरा लगाया बाग है तू इस कुंती के लिए जन्म से राग नहीं बैराग है तू लड्डन सिंह दिया पता राजबल मेरे कर्म का भाग है तू माता कह के बोल लाड ले मेरे पेट की आग है तू खा के मरू कटार जो हटके खा के मरू कटार जो हटके कुंती तेरी जमा कह दे भर जागमान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे मन भर जागमान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे।